हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। इस वीडियो में हम EPA जो कि हमारा सार्वजनिक नीति, ठीक है, सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं इसको, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पेपर में कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं ज़्यादा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप करोगे तो आप बहुत अच्छा अट्रैक्टिव मार्क स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप एज अ प्रैक्टिस भी आप मान सकते हो, आप एज अ गैस पेपर मान सकते हो, ठीक है, कि आपने प्रिपरेशन कैसे की है। तो सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक वीडियो देखना ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक नीति के अर्थ और विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, भारत में जो सार्वजनिक नीति होती है उसका क्या मतलब होता है, इसके क्या अर्थ होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति विश्लेषण के क्या क्या दृष्टिकोण होते हैं वो बताना है हमें। नीति जो विश्लेषण होता है इसके क्या क्या दृष्टिकोण होते हैं इसमें हमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति विश्लेषण के रूप क्या होते हैं। देखो क्या क्या करना है, नीति विश्लेषण क्या होता है, इसके क्या क्या रूप होते हैं, और ऊपर जो क्वेश्चन था इसके क्या क्या अप्रोच होते हैं, मतलब क्या क्या दृष्टिकोण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौकरशाही के बदलते स्वरूप और नीति निर्माण में इसकी भूमिका की व्याख्या करिए। नौकरशाही मतलब जो हमारे IAS PCS ये सब होते हैं, नौकरशाही के ही पार्ट होते हैं, तो इनकी जो बदलती भूमिका और नीति निर्माण में इनकी क्या मतलब इनकी भूमिका क्या है पॉलिसी मेकिंग में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य और उनके समक्ष आने वाली समस्याओं को बताएं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन ये, तो इस क्वेश्चन को स्किप मत करना, अच्छे से करके जाना है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर देखा जाए तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनता में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की भूमिका का परीक्षण करें। ठीक है, जो सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी होती है वो उनका क्या वो होता है वो बताना है आपको, ठीक है। और नीति निर्माण में कैसे एक तरह से हेल्प करते हैं एक दूसरे को ये भी बताना है। फिर नीति निर्माण पर न्यायपालिका के प्रभाव और महत्व पर टिप्पणी लिखें। जो नीति निर्माण होता है तो उसमें न्यायपालिका के क्या इफेक्ट होता है और ये क्या महत्व होता है वो बताना है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के अर्थ और महत्व की व्याख्या करें। ठीक है, जो राजनीतिक दल होते हैं उनके क्या अर्थ होते हैं और क्या महत्व होते हैं ये बताना है हमें। नीति कार्यान्वय में राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन 99% चांस है कि क्वेश्चन पेपर में आएगा या आएगा, नहीं आएगा तो इसके ऊपर वाला आएगा या फिर नीचे वाला आएगा, इन तीनों में से कोई ना कोई ये क्वेश्चन कंफर्म आना है, तो इसको कंफर्म में टिक कर लेना। नीति कार्यान्वय में विधायिका की क्या भूमिका होती है ये बताना है। यहाँ पे हमने कार्यपालिका का देखा, विधायिका का देखा, नौकरशाही का देखा, फिर राजनीतिक दलों का देखा। ठीक है, तो ये सब इन सब का पूछता है कि जो हम पॉलिसी नीति निर्माण करते हैं तो उस टाइम ये इन लोगों की क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या नीड होती है। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका और संसद के बीच घनिष्ठ संपर्क नीति निर्माण प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ठीक है, तो हाँ भाई बनाता है सुगम, ठीक है, ये टिप्पणी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा पर एक नोट लिखें। न्यायिक समीक्षा पर क्या लिखना है, एक नोट लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक नीति के समूह सैद्धांतिक मॉडल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन ही वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक नीति के समूह सैद्धांतिक मॉडल के मुख्य तत्वों की व्याख्या करें। ठीक है, जो सार्वजनिक नीति के समूह सैद्धांतिक मॉडल होते हैं उसके क्या क्या तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं ये बताना है। नीति कार्यान्वयन में नागरिकों और दबाव समूह की क्या भूमिका होती है। ठीक है, दबाव समूह पता है आपको, जो अपनी बात मनवाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते लेकिन सरकार से अपनी बातें मनवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति विज्ञान के अर्थ और तथा महत्व की व्याख्या करें। ठीक है, नीति विज्ञान का क्या अर्थ होता है और क्या महत्व होते हैं वो बताना है। अंतर सरकारी संबंधों को परिभाषित करें और इसके विभिन्न मॉडलों पर चर्चा करें। फिर उसके बाद प्रतिनिधिमंडल कानून क्या है, ठीक है, प्रत्यायोजित कानून की आवश्यकता की व्याख्या करें। ठीक है, जो प्रतिमंडल कानून होता है ये होता क्या है, ठीक है, प्रत्यायोजित कानून की आवश्यकता क्यों होती है वो बताना है हमें। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने वाले जनसंचार माध्यमों की भूमिका का विश्लेषण करें या परीक्षण करें। ठीक है, तो जो सार्वजनिक नीति मतलब एक तरह से जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें मास मीडिया का क्या रोल होता है, मास मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कैसे इफेक्ट करती है एक तरह से पॉलिसी मेकिंग को मास मीडिया, इस क्वेश्चन में यही हमें बताना था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगे क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।